हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रेस्ट होंगे। मैं लवर सर केमिस्ट्री अड्डा से, और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने जाएंगे क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। कौन सा है? क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या। आप देख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ये है आपका ऑक्सीडेशन, और एक तरफ क्या लिख दिया मैंने, रिडक्शन। यानी वैसा रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एक साथ, सिमल्टेनियसली। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टेक प्लेस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब सवाल उठता है कि सर लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखें, कहां से लिखें? क्योंकि उतना समय नहीं है लैंग्वेज लिखा लिखा कि मैं बताऊं। आप कोशिश कीजिए लैंग्वेज बनाने का बाय द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, उसको उसका हेल्प से आप लैंग्वेज बना लीजिए अपने से। ठीक है, अब इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जा सकते हैं कहां, बोरा में। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स डोंट वरी, अगर आपको लैंग्वेज चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, उस नंबर पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या सेवा कर सकते हैं। चलिए बेहतर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द रिएक्शन इंडिकेट ऑक्सीडेशन एंड द रिएक्शन इंडिकेट रिडक्शन, कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और रिडक्शन शो कर रहा है। तो इसका सबसे पहले हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे कि रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन है या नहीं। क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में, उसमें क्या पूछता है कि जो रिएक्शन दिया गया है वो रिडक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो रिडक्स रिएक्शन तभी होगा जब उस रिएक्शन में दोनों कंडीशन फॉलो होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जब दोनों रिएक्शन फॉलो होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब उसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए पहचाने का तरीका, ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि एडिंग ऑफ, आप पढ़े होंगे 9-10 क्लास में भी, एडिंग ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी किसी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन हम लोग एड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप दिखा सकते हैं एग्जाम्पल में C+O2 आपका CO2, S+O2 आपका SO2, Methane+O2 आपका CO2+H2। ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या दिखाते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे सर? देख सकते हैं कैसे हाइड्रोजन निकलेगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में H2S+O2। ठीक है, तो H2S और O2 को जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना देगा आपका वाटर। ठीक है, क्या बना देगा, वाटर, और सल्फर अकेले अलग हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन का, तीसरा पॉइंट में हम लोग आ जाएगा डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, यानी डोनेट करेगा कौन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। कैसे, जैसे आप जान रहे हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसमें 1+ चार्ज दिखाते हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी 2+ चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो करते हैं। ये रहा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन का, उसमें क्या पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, क्या होता है, इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा।
सर कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब रिएक्शन दिया रहेगा और उस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद चेक करेंगे कि रिएक्शन से पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर था और रिएक्शन के बाद कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाएंगे कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। उसको आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब देख लेंगे, क्लियर है। चलिए इसको नोट करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट हम बताए हैं ये किसका है, आपका ऑक्सीडेशन का। चार पॉइंट बताए हैं आइडेंटिफाई करने का। पहला एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ेगा। दूसरा क्या बताया मैंने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगा। तीसरा क्या बताया, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का दान करना, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। चौथा पॉइंट बताए इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। किसमें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। दिस फोर पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन को लेकर। किसको, रिडक्शन को लेकर। तो रिडक्शन में क्या होता है, सेम उसका अपोजिट कर देना है। यानी इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन। यहां पर देख सकते हैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां पर हो जाएगा एडिंग ऑफ H2, एडिंग ऑफ H2। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखिए H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2 जुड़ा कि नहीं, हाइड्रोजन जुड़ा ना। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, बहुत सारा इस तरह एग्जाम्पल है, आपको आगे चलकर बहुत सारा हम लोग देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या लिखाया था मैंने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकालना। कैसे सर, तो देखिए CuO को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CuO को किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो आप करा सकते हैं रिएक्शन यहां पर अब यहां पर प्लस कर देंगे H2, क्या कर देंगे H2, तो ये जो ऑक्सीजन है चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बोलता है, ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, काहे मरेगा, जाओ साथ दे दोस्त का। तो H2 और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया पानिया और बच गया आपका कॉपर। यहां देखिए रिमूवल हुआ कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पहले कॉपर के साथ था, अब चला गया किसके पास, हाइड्रोजन के पास, तो रिमूवल हुआ। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट इसका क्या लिखा हुआ था, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होना। यानी एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने और माइनस चार्ज और बना देगा क्लोरीन। जैसे आप ले सकते हैं दूसरा एग्जांपल लेने वाला, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेता है और बना देगा आपका ओ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट आप दिखा सकते हैं इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन में था कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, यानी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, घटेगा। तो ये चारों पॉइंट आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे से जिंदगी में आएंगे, तब तक नोट कीजिए फिर अगले। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस बहुत सारा डिफरेंस आगे हम लोग और पढ़ेंगे, बट इतना काफी है पहचानने के लिए कि कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है, क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन वैल्यू जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, उसका रूल क्या होता है, यानी रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस माय डियर स्टूडेंट्स, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या क्या रूल होता है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, आपको पता है, नहीं पता है जी, चलिए मैं बताता हूं कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट सीधे स्क्रीन पर पूछता है भारत, जवाब दीजिएगा। तो पहला रूल्स क्या है कि कोई भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फ्री स्टेट में रहता है, डायएटॉमिक B2C2N2 आप सुने होंगे, ठीक है, नहीं सुने तो जरूर मैं सुना रहा हूं, उसको सुन लीजिए और देख लीजिए, नोट करते चलिए,
ठीक है, और आराम से एकदम प्यार से नोट करते चलिए, प्यार से समझा रहे हैं। तो कोई भी एलिमेंट्स अगर फ्री स्टेट में रहेगा या एलिमेंट्री स्टेट जिसको बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेट, एग्जांपल सर नहीं समझे एलिमेंट्री स्टेट कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्री स्टेट में है या नहीं है, तो देखिए एलिमेंट्री स्टेट एलिमेंट हो जाएगा आपका सीएल टू, बीआर टू, आई टू, एफ टू, एच टू, एन टू, ओ टू, ठीक है। इस टाइप के फॉर्म में अगर कोई भी एलिमेंट्स है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है जीरो। ठीक है, आराम से एकदम धीरे धीरे नोट करते चलिए, समझते चलिए, जहां दिक्कत हो तुरंत आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। आपको पता है टोल फ्री नंबर? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, पता कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बताएं कि कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई एलिमेंट सिंगल फॉर्म में है, कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में है, अकेले है, जैसे हम अकेले हैं, ठीक है, चलिए, तो सिंगल फॉर्म में कोई भी एलिमेंट जैसे आपका कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन सिंगल फॉर्म में कब, जब वो इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा तब, जब 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 किसी रिएक्शन में रहेगा तब, जब किसी रिएक्शन में उपस्थित हो तब, उपस्थित हो तब, जब किसी रिएक्शन में दिया रहेगा वो भी सिंगल फॉर्म में, तभी जीरो लेना, अदरवाइज ऐसे जीरो ले लेगा तो फिर चला जाएगा बोरा में, ठीक है, बोरा के बाद खोपचा में चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कहां जाएगा और क्या होगा, इसको मेंटेन करना, वेल मेंटेन। ठीक है, क्या बताएं कि कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल फॉर्म में है और सिंगल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। कब? कब? जब किसी रिएक्शन में उपस्थित हो तब, अपने से नहीं ले लेना। चलिए थर्ड पॉइंट, अब स्वागत सर इसका काम किया है तो काम तुरंत दिखाई नहीं देगा, रुको जरा, सबर करो आराम से, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन आगे क्वेश्चन मिलेगा। ये तो अभी रूल समझ रहे हैं कि किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहां पर दिखा रहे हैं, थर्ड पॉइंट कि कोई भी एलिमेंट का जितना चार्ज होता है, मान लो सोडियम का, तो सोडियम का चार्ज कितना होता है, प्लस वन, आपको पता होगा, मैग्नीशियम का प्लस टू, जिंक का प्लस टू, तो जिस एलिमेंट का जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जिस एलिमेंट का जितना जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वन समझ लेना, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जिस एलिमेंट का जितना चार्ज होता है, जितना चार्ज है, प्लस रहे, माइनस रहे, प्लस 25 रहे, माइनस 25 रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे, आलू, बैगन, गोभी, टमाटर, तो जो रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे कैल्शियम पर कितना चार्ज, प्लस टू, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू। क्लोरीन पर माइनस वन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन। जिंक पर प्लस टू, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू। आप ले सकते हैं किसको, Fe प्लस थ्री, तो इसका आ जाएगा प्लस थ्री, यानी जितना चार्ज है वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है किसी को, किसी प्रकार की समस्या, दिल में दर्द नहीं ना, और है तो बुखार का दवा खा के सो जा, सब ठीक हो जाए। चलिए, सस्ता नशा वाला कोई नहीं ना है, सस्ता नशा वाले इसमें सब महंगा प्यार वाले है ना, सस्ते प्यार वाले नहीं है कहीं। चलिए कोई बात नहीं, और करना भी नहीं चाहिए सस्ता नशा, हमेशा महंगा नशा कीजिए, काम आएगा, ठीक है, सस्ता नशा नाली में दिखाई देगा, इसलिए महंगा नशा कीजिए, कहीं भी काम आ सकता है। चलिए नंबर फोर देख सकते हैं आप लोग, तो नंबर फोर का रूल्स आप पढ़े होंगे, एस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। अब पता नहीं आप लोग किस ब्लॉक से आते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस ब्लॉक से रिलेटेड करते हैं, मैं तो चास ब्लॉक से रिलेटेड करता हूँ। खैर, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट्स जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बट यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर टू ग्रुप्स इन एस ब्लॉक, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, ग्रुप 1A दैट इज अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2A दैट इज कॉल्ड अल्कलीन अर्थ मेटल। सो देयर इज एस ब्लॉक डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, फर्स्ट इज अल्कली मेटल,
अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल में कौन कौन आता है, इसका एक ट्रिक्स जब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में या जब एस ब्लॉक पढ़ाया था मैंने, उसमें बताया था हलीना ने की रब से फरियाद। हलीना है वो क्या कर रही है, रब से दुआ मांग रही है। एक लड़की है हलीना, वो रब से क्या कर रही है, दुआ मांग रही है। क्या है, हलीना ने की रब से फरियाद। ये जो सेवन एलिमेंट्स है, हलीना ने की रब से फरियाद, यानी ये अल्कली मेटल्स जो आपको सेवन एलिमेंट्स दिख रहा है, ग्रुप वन, और ग्रुप वन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वन होता है, डिस्कस किए थे हम लोग क्लास में, तो इसका वैलेंसी भी, ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, प्लस वन। ठीक है, चलिए नंबर फाइव हम लोग ले लेंगे, अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल, अब सवाल उठता है सर अल्कलीन अर्थ मेटल में कौन कौन आता है, आप लोग को याद हो गया होगा क्योंकि क्लास में हम बहुत अच्छे से समझाए थे, बहुत बेटर तरीका से, बेटर ढंग से हम समझाए थे एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को, ताकि आपको कहीं भी समस्या ना हो, और अगर है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अल्कलीन अर्थ मेटल में हम लोग क्या क्या आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, और बाप राजी हो जाता है देने के लिए, और बेटा जो है नाली में जाके गाजी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बताएं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सिक्स एलिमेंट आपको याद रखना है अल्कलीन अर्थ मेटल का, और इसका चार्ज कितना होता है, प्लस टू, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा प्लस टू। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना, चलिए एकदम होना नहीं चाहिए, उम्मीद करते हैं केमिस्ट्री का एकदम डाउट खत्म कर देंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा, जब डाउट रहेगा ही नहीं तो आप सवाल क्या कीजिएगा घंटा। क्लियर है, चलिए नंबर सिक्स रूल्स को हम लोग देखते हैं, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव मस्ट बी रिमेंबर दिस रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जब तक ये रूल याद नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए इसको याद रखने का, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको दिमाग में याद रखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर सिक्स जो चलेंगे वो हाइड्रोजन से रिलेटेड करेगा, किससे, हाइड्रोजन, देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस वन भी दिखाता है और माइनस वन भी दिखाता है, दो कंडीशन फॉलो करता है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह प्लस वन भी होता है और माइनस वन भी होता है। अब यहां तो हम लोग का क्या होगा, खेला होगा, क्या होगा, खेला होगा कि सर प्लस वन कब लेना है और माइनस वन कब लेना है, तो प्लस वन तभी लेना जब वह नॉन मेटल के साथ रहेगा, किसके साथ, नॉन मेटल, देखो यहां ब्रैकेट में चमका दे रहे हैं नॉन मेटल, और माइनस वन तभी लेना जब वह मेटल के साथ रहेगा, और तुम्हारे साथ रहेगा तो क्या लेना, तुम्हारे साथ रह नहीं करेगा तो लेगा क्या घंटा। ठीक है, इसीलिए मेटल और नॉन मेटल को खोजना, तुम अपने साथ मत खोजना हाइड्रोजन को, नहीं तो फिर चला जाएगा कहां, ये बोरा में। तो देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का प्लस वन कब होगा, जब नॉन मेटल रहेगा, और माइनस वन कब होगा, जब मेटल के साथ रहेगा। सवाल यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है, कोई स्टूडेंट सवाल किए होंगे, मुझे पता नहीं क्या नाम है, कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल के साथ है। रुको जरा, सबर करो, सब पता चलेगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मेटल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री आएगा, मेटल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आता है, वन टू थ्री, तो समझ जाना मेटल है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री यानी मोर देन थ्री, थ्री से ज्यादा आ गया तो नॉन मेटल होगा, जैसे ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल है, सबसे पहले इसका कॉन्फिगरेशन निकालो, ऑक्सीजन का 8 होता है 2 6, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आया तो 6 आया मतलब नॉन मेटल है, 3 से ज्यादा आ गया, 3 तक आया मतलब मेटल, 3 अगर आ रहा तो वो मेटल है, जैसे सोडियम, सोडियम का 11 होता है, इसका कॉन्फिगरेशन निकालो 2 8 1 आया ना 2 8 1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जब 1 आया यानी मेटल है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सुन लो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहा तो मेटल होगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा रहा तो नॉन मेटल होगा। क्या कॉपी में लिख लिया आप लोग, चलिए लिख लीजिए ना, तो फिर बहुत तकलीफ होगी, दिल में दर्द होगा, तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन का प्लस वन होगा नॉन मेटल के साथ और माइनस वन होगा मेटल के साथ। अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे नंबर सेवन, नंबर सेवन रूल को ध्यान से देखिएगा, नंबर सेवन में पढ़ेंगे ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन का जो वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस टू होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? माइनस टू। सब आएगा, यूज होगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब। अभी स्लिप नोट लिखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। ऑक्सीजन कब? जब ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तब। लेकिन यही ऑक्सीजन, ये हो गया आपका ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसी ऑक्सीजन का माइनस वन भी लिखते हैं, कब? जब वो परऑक्साइड के फॉर्म में रहता है तब। देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है, ऑक्सीजन का माइनस टू और फिर उसी ऑक्सीजन का माइनस वन। माइनस टू तब लेंगे जब वो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, और माइनस वन कब लेंगे? जब वो परऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर होते चलेगा, कहीं तकलीफ आपको नहीं होगी, आराम से एकदम धीरे धीरे से जिंदगी में आना है और हम लोग को आगे बढ़ना। नंबर एट जो सल्फर है गाधा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस टू होता है। कितना होता है? माइनस टू। और इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये हुआ आपका मिनिमम। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए सल्फर का दो कंडीशन है, एक है माइनस टू और एक है प्लस सिक्स। ये हो गया मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इससे कम नहीं जाएगा। और यह जो प्लस सिक्स है ये आपका मैक्सिमम, इससे ज्यादा आएगा। प्लस सिक्स से ज्यादा आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है, यानी आपका सोल्यूशन गलत है, चाहे क्वेश्चन गलत है। और अगर माइनस टू से नीचे जाएगा तब भी गलत है, यानी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो सल्फर दो कंडीशन होता है, माइनस टू इसका मिनिमम, इससे नीचे नहीं जाएगा, और सल्फर का मैक्सिमम कितना आता है? प्लस सिक्स। बस इतना सारा रूल्स को आप नोट कर लीजिए, फिर हम बताएंगे आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तब तक बने रहे मेरे साथ, ठीक है। चलिए अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, किसका कितना चार्ज होता है, किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे क्या पता है, क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, अंडरलाइन क्या हुआ रहेगा या लैंग्वेज में भी लिखा हुआ रहेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। अपना भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, टाइम मिलेगा तो, ठीक है। नहीं सकेगा तो हमसे पूछ लेना, हम निकाल लेंगे। चलिए देख सकते हैं पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पर पूछता है केमिस्ट्री अड्डा, जवाब दीजिएगा मेरे शेर से। नहीं तैयार है ना? चलिए तैयार है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, यस सर बी रेडी। क्या है क्वेश्चन? कि मीथेन में CH4, मीथेन का क्या होता है? CH4 में C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जो अंडरलाइन एलिमेंट क्या हुआ है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अपना नहीं निकालना ना चला जाएगा बुरा। मीथेन देख रहे हैं आप, CH4 लिखा हुआ। अब CH4 में ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? सी का। किसका? सी का, जिसका अंडरलाइन क्या हुआ है, जिस एलिमेंट का अंडरलाइन क्या हुआ है उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और यहां से क्वेश्चन आपका कंफर्म आना ही आना है, तय है एकदम। आप लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस चैप्टर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए देगा ही देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन हर साल दो नंबर, चार नंबर, पांच नंबर का पूछता ही पूछता है, चूंकि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि मीथेन में सी का निकालना है। किसका निकालना है? सी का। आंसर बताते चलिएगा अगर आप लोग बना रहे होंगे तो। देख लीजिए, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको हम लोग क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। मैथ पढ़ते होंगे आप लोग, थोड़ा बायो वालों को कष्ट होगी लेकिन उतना भी कष्ट नहीं होगी क्योंकि 9-10 पढ़े ही होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो जा सकते हैं आप, कहाँ बस आप ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। देखिए मीथेन में हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सी का। किसका? सी का। तो सी को हम लोग एक्स मान सकते हैं, मान सकते हैं ना? अरे बोलो, यस। तो सी को एक्स मान लिए। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दो कंडीशन फॉलो किया था, याद कीजिए रूल सिक्स में लिखा है, अभी कुछ देर पहले चमक रहा था कि हाइड्रोजन दो कंडीशन फॉलो करता है, एक प्लस वन और एक माइनस वन। प्लस वन तभी लेंगे जब नॉन मेटल के साथ रहेगा, माइनस वन तभी लेंगे जब मेटल के साथ रहेगा। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, कार्बन के साथ है कि नहीं? कार्बन क्या नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन का जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2-4 आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, 3 से ज्यादा आ गया। अरे 3 से ज्यादा आया ना, तो 3 से ज्यादा आया नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ रहता तो हम लोग प्लस वन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस वन। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा प्लस वन। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, कार्बन को एक्स माने हैं तो एक्स इंटू वन प्लस, हाइड्रोजन का वन है तो वन इंटू कितना हाइड्रोजन? 4, 4 से गुना कर दीजिए आप, जितने मोल में दिया हुआ उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बराबर 0 लेके आगे बढ़ा दीजिए इसको, इक्वल टू 0, यानी x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0।
यानी x इक्वल टू माइनस फोर, तो c का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका माइनस फोर। अगला क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं, आप समझते चलिए, नोट करते चलिए, जहां दिक्कत होगा आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट निकालना, Mn का देख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, K का तो K का चार्ज होता है वन, होता है ना प्लस वन, तो वन मान लिए। Mn का क्या मानेंगे, Mn को X मानेंगे क्योंकि Mn का निकालना है। ऑक्सीजन का यहाँ देखिए ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है, ओनली ऑक्सीजन के फॉर्म में। परऑक्साइड कब होगा, जब दो ऑक्सीजन एक साथ रहेगा, जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस टू लेंगे। वैल्यू पुट करो इसको, देख सकते हैं वैल्यू पुट करेंगे तो वन इंटू वन प्लस Mn का हो जाएगा x इंटू वन प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू चार ऑक्सीजन, तो चार से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू जीरो, यानी x सॉरी आपका हो जाएगा यहाँ पर वन प्लस x माइनस एट इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू प्लस सेवन। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कुछ है जान नहीं है, एकदम उड़ा देना है, धुआं धुआं कर देना है, पूरा केमिस्ट्री को धुआं धुआं कर देना। नंबर थ्री K2Cr2O7 में Cr का निकालना है, कुकुर का नहीं निकाल देना, ठीक है। देखिए K का होता है आपका प्लस वन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, अब तो समझ में आ गया होगा इतना थोड़ा, एकदम जीरो नहीं ना है, गोबर नहीं ना है, चलिए नहीं है तो समझिए थोड़ा सा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। पोटेशियम का कितना होता है वन, कितना होता है वन, तो वन इंटू कितना करेंगे टू, क्योंकि दो पोटेशियम है, जितना है उतना से मल्टीप्लाई करना है। प्लस क्रोमियम का एक्स मानेंगे क्योंकि क्रोमियम का फाइंड करना है, जिसका फाइंड करना उसको एक्स मानेंगे, तो हो जाएगा आपका एक्स इंटू टू प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू सेवन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका टू प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, तो ये आपका टू एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स आ जाएगा, ये जाएगा आपका आंसर। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं ना, नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर फोर्थ क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग चार्ज वाला, ठीक है, कुछ चार्ज वाला क्वेश्चन, जैसे SO4 का पावर माइनस टू, SO4 का पावर माइनस टू में S का निकालना है, किसका निकालना है, S का निकालना है, ठीक है, देख सकते हैं किसको X मान ले, X इंटू वन प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू जीरो लिखते थे, अभी तक देखिए हर क्वेश्चन में मैंने जीरो लिखा है, जीरो लिखा है, जीरो लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, जो चार्ज दिया हुआ उसको लिखेंगे माइनस टू। क्वेश्चन में आपका चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज अगर दिया हुआ रहेगा तो इक्वल में जीरो नहीं करना, क्या लिखना, जितना चार्ज आपका दिया रहेगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाओ, एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, यानी एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस एट, यानी x इक्वल टू प्लस सिक्स, ये हो गया आपका आंसर। नंबर फाइव देख सकते हैं आप, पांचवा क्वेश्चन, Cr H2O का होल सिक्स और ऊपर में प्लस थ्री चार्ज दिया हुआ, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, और निकालना आपको Cr का, किसका निकालना है, Cr का क्रोमियम का, किसका निकालना है, क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम का कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना उसको x मान लो ना यार, x इंटू वन प्लस वाटर का, और एक चीज याद रखना दिमाग में, अगर कहीं पर वाटर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमेशा उसका जीरो ले लेना, क्या ले लेना, जीरो ले लेना, हमेशा दुनिया के किसी भी कोना में है अगर वाटर मॉलिक्यूल्स दिया है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा है तो वाटर पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स का जीरो ही आता है, सॉल्व भी करेंगे उसका अलग से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के भी निकालेंगे ना तो उतना जीरो ही आ जाएगा आपका, तो जीरो इंटू सिक्स इक्वल टू चार्ज कितना प्लस थ्री, तो इक्वल टू प्लस थ्री। अगर ये चार्ज नहीं रहता मेरे प्यारे छात्र छात्राओं स्टूडेंट्स दोस्तों, अगर वह चार्ज नहीं रहता तो हम लोग जीरो लिखते हैं, लेकिन यहाँ चार्ज प्लस थ्री है तो इक्वल टू प्लस थ्री दिखाएंगे, एक्स प्लस जीरो इक्वल टू प्लस थ्री, यानी एक्स इक्वल टू प्लस थ्री। बोलिए यहाँ तो किसी को दिक्कत है नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे नंबर सिक्स, एच टू SO4 में S का, किसका निकालेंगे, H2SO4 में S का निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, वन इंटू टू क्योंकि हाइड्रोजन का वन होगा, क्यों सर, क्योंकि सल्फर है, सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स होता है, थ्री से ज्यादा आ गया तो नॉन मेटल हो गया, तो जब नॉन मेटल हो गया ना, क्या नॉन मेटल,
तो जब नॉन मेटल हो गया तो वन, और दो हाइड्रोजन दो से मल्टीप्लाई कर दिए, सल्फर, सल्फर को एक्स मानेंगे, एक्स इंटू वन, प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस टू, तो माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, चमक रहा है क्या चार्ज, कहीं पर चार्ज तो नहीं चमक रहा, नहीं, तो हो जाएगा आपका टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो मात्र छह क्वेश्चन आया ही है, आप उम्मीद करते हैं कि छह क्वेश्चन आपको कहीं तकलीफ नहीं है, और नहीं है तो अगला क्वेश्चन हम लोग पेश करते हैं, बस एक मिनट का समय चाहिए मुझे क्योंकि इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, H3PO4 में P का निकालना है, किसका निकालना है, H3PO4 में P का निकालना है, तो P को X मान लेंगे, बाकी अपना आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन का प्लस वन होगा क्योंकि फास्फोरस नॉन मेटल है, क्योंकि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 से ज्यादा है या नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटल होने के कारण फास्फोरस क्या है, सॉरी फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने के कारण नॉन मेटल है, और जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रहता है तो प्लस वन लेते हैं, तो 1 × 3 प्लस इसको एक्स इंटू वन प्लस ऑक्सीजन का माइनस 2 × 4 इक्वल टू जीरो, तो 3 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू प्लस 5। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, H2SO5, ये आपका एक्सेप्शन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ देता है, जबकि बच्चा अपना रूल आप लोग जो है अपना अपना रूल को फॉलो करके बैठा देते हैं, जबकि आंसर आता है आपका 7 या 6 7 आएगा या 8 आएगा, देख लेंगे जो भी आएगा, 10 2 8 8 आएगा, जो कि सल्फर का इसमें निकालना किसका, सल्फर का, ठीक है, तो सल्फर का निकालना है, और सल्फर का आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका 8, जो कि गलत है, सर आपने तो बताया उसी हिसाब से तो हम लोग निकाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सल्फर जो है वो मैक्सिमम प्लस 6 ही शो करता है, प्लस 6 से अगर ज्यादा आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन वैल्यू प्लस 6 से ज्यादा आ रहा है, यानी आपका क्वेश्चन गलत है, या फिर एक्सेप्शन रूल लागू होगा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोल्ड है, तब तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, और वैसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में दिया जाते हैं, आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाते हैं और चला जाते हैं बोरा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ही एक्सेप्शन क्वेश्चन है, उसको मैं अभी बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान देखिए, H2SO5 जैसे बताएं उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का x इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का माइनस 2 × 5 इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा आपका 2 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू जीरो, यानी x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू प्लस 8। ये जो सल्फर का आया, x किसको माने थे, सल्फर को माने थे, तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर 8 आया आ रहा, जबकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना होता है, इसका प्लस 6 ही होता है, रूल नंबर 8 आप देख सकते हैं, रूल 8 में जो बताए हैं कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, अगर उससे ज्यादा आ रहा तो कहीं ना कहीं लोचा है, तो जब भी 6 से ज्यादा आ जाएगा तो आपको करना है उसका स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स का, कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ड्रॉ कैसे किया जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, या बता रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या है कि 8 आ गया, बट सल्फर का 8 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, अतः ये क्या है, गलत है, तो जब गलत है तो गलत होने की वजह से हम लोग H2SO5 का क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, देख सकते हैं इधर, तो H2SO5 का स्ट्रक्चर बना लीजिए, HOSOOH, और यहां पर एक ऑक्सीजन डाल दीजिए, एक ऑक्सीजन यहां पर डाल दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, बाकी अपना देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 H2, सल्फर 1 S, ऑक्सीजन 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है, चलिए क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे से मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे, ये तो करना है, पढ़ाते हैं क्योंकि समय भी बहुत पढ़ना आगे हम लोग को, हाइड्रोजन देखिए, चलिए हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो 1 × 2 अब निकालिए ऑक्सीजन का, अब देखिए परोक्साइड कैसे यहाँ पर बना हुआ, देखिए हम बताए थे ना परोक्साइड को पहचाने का तरीका, कि जब दो ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जब दो ऑक्सीजन आपका एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा O बॉन्ड O में, तो वो परोक्साइड कहलाता है, क्या कहलाता है,
परोक्साइड कहलाता है। यानी ये वाला जो है ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, परोक्साइड है। क्या है? परोक्साइड है। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, अगर सिंगल रहेगा ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ नहीं रहेगा, सिंगल ऑक्सीजन रहेगा तो उसका -2। तो आप देखिए, तो सिंगल ऑक्सीजन कितना है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, यानी तीन ऑक्सीजन, तो -2 × 3, क्योंकि तीन ऑक्सीजन सिंगल है तो -2 हो गया। और दो ऑक्सीजन एक साथ है परोक्साइड के फॉर्म में, और परोक्साइड का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, दो ऑक्सीजन है, तो -1 यहाँ पर लिखेंगे -1 × 2 ऑक्सीजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और = 0। बोलिए क्लियर हो गया? क्या बोले कि जब भी 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर बनाना, देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर बना लिए, स्ट्रक्चर बनाने के बाद वैल्यू पुट कर दिए, सर हाइड्रोजन 2 था तो 1 × 2 हो गया। आप देखिए यहाँ पर सल्फर का एंगल लिखने भूल गए हैं, चूंकि यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप, इसको आगे लिख दीजिए, प्लस सल्फर को एक्स मान लिया, x × 1 = 0। आप देखिए हाइड्रोजन 2 था, 1 × 2, ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन, देखो सिंगल ऑक्सीजन 1, 2, 3, तो 3 ऑक्सीजन -2। फिर देखो डबल ऑक्सीजन जो एक साथ वाला परोक्साइड के फॉर्म में है, तो परोक्साइड का -1 और 2 ऑक्सीजन है तो -2। सल्फर x × 1, क्योंकि सल्फर का फाइंड करना, इसको आगे बढ़ा, 2 − 6 − 2 + x = 0। -2 + 2 गया, −6 + x = 0, x उधर चला जाएगा तो x = +6। देखिए +6 आया, लास्ट में सल्फर का कितना आया, +6 आया। तो इस टाइप के कुछ कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन है जो आपको पूछता है एग्जाम में, तो बी केयरफुल जब बनाओगे क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा तंग करेगा, आपको परेशान करेगा, बट आपको डरना नहीं है, डराना है किसको, हमको नहीं, केमिस्ट्री को, क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। जब चार्ज रहेगा त्रिकोण में चार्ज को लिखा जाएगा, चार्ज नहीं रहेगा तो 0 लिख देना। क्लियर है यहां तक? इसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो, और अगर अच्छी लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों